योगी मोदी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। सबसे पहले मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज संत रविदास जी की जयंती है, वो अपनी पुष्पांजलि संत रविदास जी के चरणों में करें। मैं उनको आमंत्रित करता हूं। आदरणीय मोदी जी, अब हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शेष नारायण मिश्रा जी और हमारे जिले के अध्यक्ष श्री अचिन मेहरोत्रा जी, दोनों लोग संयुक्त रूप से अपने मुख्य अतिथि को पटका पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर के उनका सम्मान करेंगे। आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष और हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष, हमारे जनपद की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो दरी का बहुत बड़ा व्यवसाय है, विदेशी मुद्रा हमारे जनपद को हमारे देश को आती है, वह भी हमारे जिला अध्यक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया है। अब मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधे वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार श्री पंकज चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपना स्वागत भाषण करें। आदरणीय श्री पंकज जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर विराजमान क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा जी, जितिन प्रसाद मंत्री जी, सांसद रेखा वर्मा जी, राजेश वर्मा जी, अशोक रावत जी, जनार्दन मिश्र जी, सभी विधायकगण उपस्थित, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताएं बहनों तथा प्यारे बच्चों, मित्रों, आज जिनको हम सुनने आए हैं, आज उनके नेतृत्व में निश्चित तौर से भारत का गौरव बढ़ाने का काम हो रहा है। मित्रों, एक तरफ जब नारा था सबका साथ सबका विकास, आपने देखा होगा कि जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं किसी भेदभाव का चल रहा है। मित्रों, जहां पैंडमिक काल में पूरे दुनिया को कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ा, वहीं भारत को भी उन कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ा। मित्रों, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज दुनिया का सर्वाधिक गति से अर्थव्यवस्था चलने वाला भारत देश दुनिया में इकलौता देश है। मित्रों, एक तरफ जहां अर्थव्यवस्था संवारने और सजाने का भी काम किया, वहीं प्रधानमंत्री की जो गरीबों के प्रति चिंता होती है, आज कहीं कहीं पैंडेमिक काल में भी जब पूरा देश बंद था उसमें प्रधानमंत्री जी की भी चिंता उन गरीबों की लगी थी और उनके घर में कैसे चूल्हा जलेगा, और लगातार 2 साल से मुफ्त में राशन दे करके जो दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, अन्न की योजना है, आज गरीबों को मदद करने का काम हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है। मित्रों, उन मजदूरों का भी चिंता किया जो देश में फंसे थे, उनको घर तक पहुंचाने की भी चिंता हमारी सरकार ने किया। मित्रों, उन माताओं बहनों का भी चिंता किया जो घर चलाती है, उनके खाते में भी पैसा डलवाने का काम किया। मित्रों, वो मजदूर जिनका काम ठप पड़ गया था, उनके खाते में भी 1000 रुपया डलवाने का काम किया। मित्रों, ऐसे प्रधानमंत्री जी का नैमी सावण के धरती पर, सीतापुर के धरती पर, मंच के माध्यम से और आप सबके माध्यम से यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन बंद करता हूं। एक मत जोरदार नारा दीजिए, भारत माता की।
भारत माता की। अब आपके बीच इंतजार की घड़ियां खत्म हैं, आपके बीच में और माननीय मुख्य अतिथि के बीच में मैं व्यवधान उत्पन्न नहीं करूंगा। उनके स्वागत में जोरदार नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग आप लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और अपने उद्गार व्यक्त करें, हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम करें। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। मैं देख रहा हूं, मेरी नजर जहां पहुंच रही है उससे भी उस पार मैं इतना बड़ा जनसागर देख रहा हूं। आप इतनी बड़ी तादाद में हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और यहां तो मैं देख रहा हूं कर्टन के भी पीछे लोगों को तकलीफ हो रही, लेकिन खड़े हैं। ऋषियों मुनियों की तपोस्थली सीतापुर और आसपास से आए सभी भाइयों बहनों को मेरा सर झुका करके प्रणाम। आपका यह उत्साह बता रहा है कि यूपी में अगले 5 चरणों में भी बीजेपी का ही परचम लहराएगा। अब आप सभी को मिलकर के भाजपा को रिकॉर्ड सीटों से जिताना है। 2017 में जो रिकॉर्ड यूपी के लोगों ने बनाया, अब आपको अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है। तोड़ोगे ना? पक्का? आप याद रखिए, यूपी में भाजपा सरकार होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज, इन पर बराबर कंट्रोल है कि नहीं है? है कि नहीं है? यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है पूजा के दिन हो, पर्वों के दिन हो, पूजा पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है बहनों बेटियों की मनचलों से सुरक्षा। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है गरीब के कल्याण के लिए निरंतर काम। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है केंद्र की योजनाओं पर डबल स्पीड से काम।
साथियों, आज संत रविदास जी की जन्म जयंती भी है। रविदास जी के अनेकों मंदिरों में अनेक भक्त जुटे हुए हैं। आज सुबह मुझे भी दिल्ली में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी विश्राम धाम मंदिर में जाने का सौभाग्य मिला। मान्यता है कि जब एक बार गुरु रविदास जी राजस्थान जा रहे थे तो दिल्ली में उसी स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था। मेरे लिए दोहरी खुशी ये भी है कि मैं उस काशी का सांसद हूं जहां संत रविदास जी का जन्म हुआ था। ये भी मेरा सौभाग्य है कि बनारस में उनके मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण का कार्य एक पवित्र कार्य करने के लिए ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया, मुझे एक माध्यम के रूप में इतने सालों से जो काम नहीं हुआ था वो काम मुझे उस स्थान पर करने का, रविदास जी के मंदिर के पूरे परिसर को सजाने का मौका मिला। दशकों से रविदास जी के भक्त हर सरकार से इसकी मांग करते थे, हर व्यक्ति से इसकी मांग करते थे, लेकिन चुनाव आता था, लंगर चखना, फोटो निकालना और भाग जाना, यही होता था। भाजपा सरकार वहां संत रविदास जन्मस्थली विकास परियोजना पर भी तेजी से काम कर रही है। रविदास जी के श्रद्धालुओं के लिए अनेक सुविधाएं वहां विकसित की गई हैं। आज वहां उनके भव्य मंदिर में दर्शन के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। मुझे विश्वास है कि संत रविदास जी की जन्मस्थली पर भाजपा सरकार जो सुविधाएं बना रही है उससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा। हालांकि मुझे देखकर भी तकलीफ होती है कि यहां पहले जिन्होंने 5 साल तक सरकार चलाई 2017 से पहले, उन्हें संत रविदास जी के नाम से भी कितनी चीड़ रही है ये मुझसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। साथियों, संत रविदास जी की प्रेरणा से हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। हमारी योजनाओं के केंद्र में गरीब है, दलित, शोषित, पिछड़े, वंचितों का कल्याण है। आप सब जानते हैं भाइयों बहनों, पूरी दुनिया पिछले 2 साल से 100 साल में नहीं आई ऐसी भयंकर महामारी में उसकी चपेट में है पूरी दुनिया। इस महामारी के इस काल में भाजपा सरकार ने गरीब का जीवन बचाने को
सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। संत रविदास जी भी कह गए थे, और आप मैं जो रविदास जी जो कह के गए तो बताऊंगा तो आपको भी विश्वास होगा कि हमारा काम करने का तरीका, हमारा काम करने की प्राथमिकता पूज्य संत रविदास जी ने जो सदियों पहले मार्गदर्शन किया था उसी नक्शे कदम पर चलना की है। संत रविदास जी ने क्या कहा था? संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में, यानी मैं ऐसा राज चाहता हूं, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम सबसे, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यानी मैं एक ऐसा राज चाहता हूं, रविदास जी ने कहा है, मैं एक ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सभी को अन्न मिले, हर कोई एक समान समरस होकर रहे। इसी सोच के साथ यूपी के करोड़ों लोगों को करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसमें 9.25 करोड़ से अधिक साथी पिछड़े वर्ग से हैं, अनुसूचित वर्ग के हमारे 3 करोड़ भाइयों और बहनों को भी भाजपा सरकार मुफ्त राशन दे रही है। करीब 3 करोड़ साथी सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के भी हैं, अल्पसंख्यक समाज के भी लाखों साथियों को इसका लाभ मिल रहा है। जब गरीब की तकलीफ का एहसास हो तो ऐसे ही काम होता है, ऐसे ही काम किया जाता है। गरीब का राशन जो पहले माफिया लूट लेता था, उसका एक एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है। इस पूरे कोरोना काल में मैं एक बात पर हमेशा ध्यान केंद्रित कर रहा कि किसी गरीब के घर में ऐसा दिन नहीं आना चाहिए ताकि घर का चूल्हा न जला हो। गरीब के घर में किसी को रात को भूखा सोना न पड़े, इसके लिए हम जागते रहे हैं। और सरकार इस पर 2,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। गरीब भले ही किसी भी वर्ग का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, वो जानता है कि किसने संकट के समय में साथ दिया और कौन संकट के समय लापता हो गया था, ये गरीब बराबर अपने दिमाग में भर के रखता है। साथियों, कोरोना के इस समय में गरीबों को मुफ्त वैक्सीन का भी हमारी सरकार ने पूरा ध्यान रखा है। पहले की सरकारों के समय कभी ऐसे अभियान चलाकर, इतना बड़ा अभियान चलाकर समय सीमा में गरीबों को मुफ्त वैक्सीन नहीं दी गई है। आजादी के इतने सालों के बाद ये पहली बार हुआ है। पहले तो हालत ये थी कि पहले की सरकारों का वैक्सीनेशन कार्यक्रम हमारे गांव तक, आदिवासी इलाकों तक
ठीक से पहुंच भी नहीं पाता था। बरसों बरस कार्यक्रम चलते थे, गरीबों को वैक्सीन की एक डोज नहीं लग पाती थी। आज ये भाजपा सरकार है जो देश के कोने कोने में गरीब से गरीब को मुफ्त वैक्सीन लगवा रही है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा जवाब देंगे? मैं सवाल पूछूं, जवाब देंगे? जरा जोरों से बताएं तो पता चले, जवाब देंगे? इधर वाले देंगे, यहां वाले देंगे? आप मुझे बताइए, आपने वैक्सीन लगवाई है? हाथ ऊपर करके बताइए, लगवाई है? आपको वैक्सीन के लिए एक पैसा भी खर्च करना पड़ा है? आपके घर घर सरकार ने चिंता की है कि नहीं की है? इतनी बड़ी महामारी में आपके आपके परिवार के आपके गांव को लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमने जी जान लगा दी कि नहीं लगा दी? भाइयों बहनों, विदेशों में कोरोना का यही टीका बहुत ज्यादा कीमत पर लग रहा है, लेकिन भारत में भाजपा की सरकार हमारे लिए तिजोरी नहीं, मेरे देशवासियों की जिंदगी बहुत उत्तम है, कीमती है। तिजोरी खाली कर देंगे, लेकिन टीका घर घर पहुंचा के रहेंगे, ये काम हमने किया है। ये इसलिए क्योंकि हमें गरीब की, दलित की, हर पीड़ित शोषित वंचित की चिंता है, उसकी परवाह है। इस पर भी हमारी सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। भाइयों बहनों, हजारों करोड़ रुपए इस कोरोना काल में गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का भी बहुत लाभ मिला है। जो गरीब पहले अच्छे अस्पताल में इलाज की सोच भी नहीं सकता था, और मैंने तो देखा है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक बहुत ही सामान्य परिवार से आया हूं। मैंने गरीबी के भाषण नहीं सुने, मैं गरीबी जी करके आया हूं। गरीब की जिंदगी क्या होती है ये मैं उससे गुजर करके आपके बीच में पहुंचा हूं। भाइयों बहनों, गरीब के घर में मां अगर बीमार होती है, सालों साल तक दर्द सहती है, किसी को बताती तक नहीं है घर में, और दर्द हद से बाहर हो जाए, डॉक्टर के पास ले जाए बच्चे, और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कहे, तो मां कहती है नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना है। इसलिए नहीं कि वो ऑपरेशन से डरती थी, वो इसलिए ऑपरेशन नहीं करवाती थी कि वो सोचती थी कहीं बच्चे कर्ज लेकर के मेरा ऑपरेशन करवाएंगे और मेरे बाद उनके सर पर इतना कर्ज बना रहेगा कि वो जिंदगी नहीं जी पाएंगे, और इसलिए मां खुद बीमार रहना पसंद करती थी, लेकिन बच्चों के शरीर माथे पर कर्ज नहीं आने देती थी। ये सही है कि नहीं है भाइयों? ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? इस दुख को कौन दूर करेगा भाइयों? ये गरीब की चिंता कौन करेगा? अगर गरीब मां बीमार है,
तो उस मां का इलाज कौन करवाएगा? और इसलिए हमने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना ला करके हर गरीब परिवार के व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक अगर खर्च आता है तो उसका सारा जिम्मा हमने उठा लिया, ताकि मेरा कोई गरीब परिवार दवाई के अभाव में, डॉक्टर के अभाव में, अस्पताल के अभाव में दम तोड़ न दे। भाइयों, आखिर सरकार होती किसके लिए है? सरकार गरीबों के लिए होती है। अरे अमीर तो बीमार हो जाएगा तो 10 डॉक्टर उसके घर आकर के कतार लगा के खड़े हो जाएंगे, हवाई जहाज में उसको उठा करके ले जाएंगे जहां अच्छी अस्पताल होगी, लेकिन गरीब कहां जाएगा? और इसलिए भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार डबल शक्ति से यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, गरीब को सशक्त करने के लिए काम कर रही है। हमारे गरीब, पिछड़े, दलित भाई बहनों का बहुत बड़ा सपना था कि उनके पास भी पक्का घर हो। भाजपा सरकार ने अपने 5 साल में सिर्फ उत्तर प्रदेश में, मेरे साथ भाइयों बहनों आंकड़ा याद रखना जरा, 5 साल में उत्तर प्रदेश में 34 लाख पक्के घर बनाकर हमने गरीबों को दिए हैं, और आज गरीब पक्के घर में रहने लगा है। भाइयों, और जिनको अभी घर मिला नहीं है उनको भी मैं विश्वास दिलाता हूं, ये काम अभी भी तेजी से चल रहा है, आने वाले दिनों में आपका नंबर भी लगने वाला है। ये मोदी है, करके रहेगा, दे के रहेगा। और मेरे लिए खुशी की बात है, अब मेरे मंत्रिपरिषद में पंकज चौधरी जैसा वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है एमओएस, इस बार के बजट की पूरी हिंदुस्तान में तारीफ हो रही है। ये बजट किसने दिया है? ये पंकज चौधरी जी ने दिया है जी, और उन्होंने भी आपके दुख दर्द को जानते हैं। इस बजट में भी गरीबों को लाखों घर देने के लिए कोटि-कोटि रुपयों का प्रावधान कर दिया है। मैं पंकज जी को अभिनंदन देता हूं। भाइयों बहनों, गरीब माताओं बहनों बेटियों को खुले में शौच के अपमान से, पीड़ा से मुक्ति चाहिए थी। कैसे दिन थे आजादी के 7-7 दशक के बाद, मेरी गरीब मां अंधेरे का इंतजार करती थी, शौच जाना है तो सुबह सूरज उगने से पहले भागती थी, कितनी ही ठंड हो जाना पड़ता था कहीं जंगल में, और शाम को सूरज ढलने से बाद जा पाती थी, पीड़ा सहन करती थी, शौचालय की सुविधा नहीं मिलती थी। ये मेरी मां का दर्द, मेरे इन गरीब परिवारों का दर्द, गरीबी से आया हुआ उसका बेटा ही जान सकता है। भाजपा सरकार ने यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा इज्जत घरों का, शौचालयों का निर्माण करके
उनके जीवन की बहुत बड़ी परेशानी दूर की। और मैं उत्तर प्रदेश की बहनों का एक विशेष कारण से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि शौचालय को इज्जत घर जो नाम मिला है ना, वो मेरी उत्तर प्रदेश की बेटियों ने दिया है। मैं पहली बार जब उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहा था, शौचालय बनाने के बाद मैं एक गांव भी चला गया, तो मैं शौचालय बनाने का वहां काम करने में उनके साथ जुड़ा था, तो बेटियों ने इसे इज्जत घर शब्द दिया था और मैं समझ गया था कि मेरी बहन बेटियों के लिए ये शौचालय कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये दिल्ली में आज तक शासन करने वालों को गरीब की जिंदगी में शौचालय क्या होता है इनकी समझ के बाहर है। भाइयों बहनों, मुझे इसकी समझ है। भाइयों बहनों, रसोई घर के धुएं को, उसी में जिंदगी जीना हमारी माताओं बहनों ने उसे ही अपना भाग्य समझ लिया था। दिन भर चूल्हे के आग से निकलते हुए धुएं, उसमें खाना पकाना, धुएं के कारण बच्चों की आंखें जल रही हैं, रो रहे हैं, मां के शरीर में हर दिन 400 सिगरेट जितना धुआं उसके शरीर में जा रहा है, कितना दर्द झेलती होगी। हमने ऐसी करोड़ों बहनों को इस दर्द से मुक्ति के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन दिया। भाइयों बहनों, हमारे देश में आज से 7 साल पहले गैस का कनेक्शन ये स्टेटस सिंबल हुआ करता था। एमपी एमएलए मंत्री उनकी सिफारिश से गैस कनेक्शन मिलता था, सिर्फ प्रधानमंत्री बदल गया, सोच बदल गई और सामने से जाकर के गैस का कनेक्शन देना शुरू कर दिया। भाई, जिन करोड़ों बहनों बेटियों का अधिकतर समय पीने के पानी के इंतजाम में बीत जाता है, मैं तो एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां 10 साल में 7 साल सूखा रहता था, पानी की किल्लत रहती थी, मैं उस दर्द को जानता हूं। और इसलिए मैं देखता था मेरी माताएं बहनें बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी, क्यों? 3-3 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता था। भाइयों बहनों, आज हमने नल से जल ये बड़ा अभियान चलाया है और पानी की सुविधा घर में पहुंचे सरकार इसकी चिंता कर रही है। हर घर जल अभियान, इस पर यूपी में तेजी से काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आप ये भी जान लीजिए, आपको कई नेता मिल जाएंगे, बहुत बड़ी बातें कहेंगे, हम आपको इतने पैसे दे देंगे, दूसरा आएगा हम वो 1000 दे रहा है तो मैं 1100 दे दूंगा, तीसरा आएगा ये मुफ्त देता है तो मैं 2 चीज मुफ्त देंगे, ऐसे ही राजनीति में आजकल खेल चल रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा मुझे जवाब देना दोस्तों, आपके पास घर है, शानदार बंगलो है, गाड़ी है, उद्योग है, व्यापार है, खेत है, खलिहान है, सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है, लेकिन आपका जवान बेटा या आपकी जवान बेटी घर से बाहर गई है और शाम को उसका डेड बॉडी, उसका मृतदेह घर आ जाए, तो ये घर किस काम का, ये बंगलो किस काम का, ये पैसे मिलकर किस काम की? आपको चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? सुरक्षित जीवन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जब कानून का राज नहीं होता,
तो सबसे ज्यादा पीसना मेरे गरीब को ही पड़ता है। असुरक्षा की जिंदगी जीनी पड़ती है। माफियाओं के राज में गरीब की सुनवाई नहीं होती। उत्तर प्रदेश में पहले जो गौर परिवारवादियों की सरकार रही, उन्होंने यूपी का यही हाल बना रखा था। हमारे दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी कभी नहीं भूल सकते कि कैसे पहले की सरकार के समय गुंडागर्दी चरम पर थी। हर एक दुकानदार स्थानीय गुंडों की घुड़की और धमकी सुनने के लिए मजबूर रहता था। कारोबार के सिलसिले में शहर के दुकानदारों को गांव आना, गांव के दुकानदारों का शहर जाना लगा ही रहता था। लेकिन पहले आए दिन व्यापारियों से, दुकानदारों से पैसा लूट लिए जाने की खबरें अखबारों में छाई रहती थी। भाइयों बहनों, यहां तो हालत यह थी कि अगर कोई त्योहार बिना तनाव, बिना कर्फ्यू के निकल जाता था तो लोग राहत की सांस लेते थे। अब योगी जी की सरकार यूपी के लोगों को इन दंगाइयों से, अपराधियों से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है। और इसलिए आज पूरा यूपी कह रहा है, आज पूरा यूपी कह रहा है, जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो कानून का राज लाए हैं हम उनको लाएंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश में तो पारंपरिक लघु और कुटीर उद्योगों की एक समृद्ध विरासत है। सीतापुर की सूती और ऊनी दरी तो देश भर में मशहूर है और आज मुझे भी तोहफा मिल गया, मैं आपका आभारी हूं। वैसे मैं बताऊं जी, मैं जब छोटा था तो मैंने जो बड़े बड़े शहरों के तो नाम सुने थे, लेकिन सीतापुर का नाम बहुत सुना था हमने। मेरे गांव में शायद वर्तमान पीढ़ी को मालूम नहीं होगा, जब मैं छोटा था तो मैं मेरे गांव में सीतापुर नाम सुनता था। तब ये भी मालूम नहीं था कि सीतापुर की कहां पड़ता है। हम तो सोच रहे थे कि गुजरात के किसी कोने में होगा, क्योंकि जो थोड़े अच्छे घर के लोग होते थे और उनको कोई आंख की तकलीफ होती थी तो सीतापुर आते थे। मेरे गुजरात से आंख की बीमारी से दवाई के लिए लोग सीतापुर आते थे। आज हालत यह है, मैं इसका वर्णन नहीं करता हूं। योगी जी ने इसको ठीक करने के लिए 5 साल बड़ी मेहनत की है भाइयों। अब मेरा सीतापुर के बुनकर साथियों का ये जो दरी वाला काम है, उनका जो परिश्रम है, ये दुनिया भर में जाए, इसके लिए हम एक जनपद एक उत्पाद योजना लेकर के आए हैं। मुझे बताइए भैया, अगर मैं वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल ये बार बार चीख चीख करके बोलता रहता हूं, दिवाली आए तब भी बोलता हूं, होली आए तब भी बोलता हूं, शिवरात्रि आए तब भी बोलता हूं, शादी की सीजन आए तब भी बोलता हूं, क्यों बोलता हूं भाई? मेरा तो कोई कारखाना है नहीं, कोई मेरा माल बेचने के लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है
हिंदुस्तान के हर जिले में ऐसे उत्पाद हैं, उनके लिए मैं बोलता रहूंगा, दुनिया में बेचता रहूंगा, ताकि सीतापुर की दरी दुनिया के बाजार में बिकना शुरू हो जाए। भैया आप मुझे बताइए, भैया अगर कोई भी राजनीतिक दल का नेता अगर ये बोलेगा, कोई भी राजनीतिक दल का नेता, कि भाई वोकल फॉर लोकल, स्थानीय चीजें खरीदिए, मुझे बताइए उस पार्टी का कोई नुकसान होगा क्या? कोई नुकसान होगा क्या? अगर वो ऐसा बोलते हैं और आपकी 10-12-50 दरी ज्यादा बिकती है तो आपका भला होगा कि नहीं होगा? आपका भला होगा कि नहीं होगा? लेकिन उनको तो इसमें भी दर्द है। अगर वोकल फॉर लोकल बोल दिया और सीतापुर की दरी ज्यादा बिक गई और सीतापुर के लोग सुखी हो गए, तो क्रेडिट तो योगी जी को मिलेगा, क्रेडिट तो मोदी जी को मिलेगा, इसलिए बोलना ही नहीं। भाइयों बहनों, मैं आपके लिए बोलता हूं, आपके परिश्रम के लिए बोलता हूं, आपके हुनर के लिए बोल रहा हूं। भाइयों, ये गौर परिवारवादियों की सोच ने तो इतने वर्षों तक अपने कारीगरों के हुनर के बजाय विदेश से आयात पर ही बल दे दिया। अब तो हमने झांसी से लेकर के अलीगढ़ तक डिफेंस कॉरिडोर का जो काम शुरू किया है ना, हमने तो बजट में, हमारे पंकज जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया है। उन्होंने बजट में कह दिया है कि रक्षा क्षेत्र में भी इतने रुपयों का माल तो हिंदुस्तान में से ही लेना होगा, बाहर से नहीं ला सकते हो। इसके कारण हमारे देश में जो लोग तैयार करते हैं चीजें, वो बिकेगी। भाइयों बहनों, आज हम लोकल के लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं, इसके पीछे यही हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है कि देश में अधिक से अधिक उत्पादन हो, अधिक से अधिक रोजगार के नए अवसर बने। आपको याद होगा 7-8 साल पहले मोबाइल फोन कितना महंगा होता था, उस समय ज्यादातर मोबाइल फोन विदेश से ही आते थे। भाजपा सरकार की कोशिशों की वजह से आज भारत मोबाइल फोन बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा देश आज भारत बन गया है। भाइयों, आज भारत में मोबाइल फोन बहुत सस्ता हुआ है, इंटरनेट सस्ता हुआ है, गरीब से गरीब की पहुंच में है, और ये मोबाइल फोन मेरे देश के नौजवान बेटे बेटियां बना रही हैं, और मेरे देश में माल तैयार हो रहा है और बिक रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, आपको सस्ता मोबाइल मिल रहा है। साथियों, नियत साफ हो, प्रयास ईमानदार हो, दिल में सेवा का भाव हो, तो रास्ते तो निकलते ही है। आप ये भी याद करिए, आपके घर में जो एलईडी बल्ब आता है, वो 6-7 पहले 300-400 रुपये का एक लट्टू आता था। हमने देश में ही इनका बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन करने पर जोर दिया। आज ये बल्ब, ये लट्टू 50-60 रुपये में मिल रहा है। सिर्फ बल्ब सस्ता नहीं हुआ, बल्कि बिजली का बिल भी कम हुआ। यूपी के लोगों के भी सैकड़ों करोड़ रुपए एलईडी बल्ब की वजह से बचे हैं। भाइयों और बहनों, योगी जी के नेतृत्व में रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में भी अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। मैं एक और आंकड़ा देना चाहता हूं, जो कोरी बातें करने वालों की पोल खोलने के लिए बहुत जरूरी है। 2007 से लेकर 2017 तक के 10 सालों में इन्होंने 2 लाख से भी कम सरकारी नौकरियां यूपी के युवाओं को दी थी। कितनी नौकरियां भैया? 2 लाख से कम। कितनी? कितनी? 2 लाख से कम। कितनी? कितने?
2 लाख से कम, और कितने समय में? 10 साल में। जबकि योगी जी की सरकार ने अपने 5 साल में 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है। और आप ये भी याद करिए कि गौर परिवारवादियों की सरकार में नौकरियां किस तरह मिलती थी, लोगों को क्या क्या पापड़ बेलना पड़ता था, ये मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान जानते हैं। भाइयों और बहनों, 2017 से पहले खनन माफिया और भू माफिया का ही राज चलता था। माफियावादियों को तब बार बार बाढ़ से जूझते सीतापुर के गांवों की चिंता क्या कभी हो सकती है क्या, जो लूटने में लगे हैं। योगी जी की सरकार ने इस चुनौती के समाधान के लिए ईमानदार प्रयास किए। नैमिषारण्य को लेकर भी गौर परिवारवादियों का रवैया क्या 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 था वो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। हमारी सरकार ने नैमिषारण्य के विकास के लिए भी ठोस कदम उठाए हैं। साथियों, जिन्होंने यूरिया तक लिए किसानों पर लाठियां चलाई, वो गांव किसान का हित नहीं सोच सकते। सीतापुर के किसान कभी नहीं भूल सकते कि कैसे गन्ना बेचने आए किसानों पर मिल के फाटक के सामने लाठियां बरसाई गई थी। ये सीतापुर की बात आपको याद होगी भाइयों। इनका ट्रैक रिकॉर्ड गन्ना फैक्ट्रियों को बंद करने का भी रहा है। योगी सरकार नई गन्ना फैक्ट्रियां भी लगा रही है और पुरानी फैक्ट्रियों की क्षमता भी बढ़ा रही है। आज गन्ना किसान को पर्ची घर बैठे अपने मोबाइल पर ही मिल रही है। हम इथेनॉल के उत्पादन पर भी जोर दे रहे हैं ताकि गन्ना किसानों को आय का एक और विकल्प मिले। पशुपालन से गांव के किसान की आमदनी बढ़े, इसके लिए भी हम ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। हम बेसहारा पशुओं के लिए पशुशालाएं बनवा रहे हैं ताकि किसानों की दिक्कत कम हो। कोशिश ये भी है कि पशुओं के गोबर से भी अतिरिक्त आय किसान को मिलना शुरू हो जाए। साथियों, यूपी का विकास वो लोग नहीं कर सकते जो दंगाइयों को, गुंडों को, माफियाओं को बढ़ावा देते हैं। उत्तर प्रदेश के जागरूक लोग इस बात को भली भांति जानते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग जी जान से कह रहे हैं, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये दंगावादी आप लोगों को बांटने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको एकजुट रहना है। एक रोज जुट होकर के मतदान करना है। और आप याद रखिए, पहले मतदान कमल निशान, फिर दूसरा कोई काम। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मेरी उम्मीदवारों से प्रार्थना है, जरा आगे आ जाए, और पंकज जी भी उनके साथ आगे आ जाए, जरा हमारे एमपी साहब से जरा आगे आ जाए। मेरे साथ बोलिए हाथ ऊपर करके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।